तो हमारा कुशल जो प्रत्याशी होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे बीच में रहकर हमारी समस्या को जान सके और हमसे अच्छा रू रू हो सके। वो विश्वविद्यालय परिसर से ही नहीं बाहर के परिवेश में भी अच्छा होना चाहिए, या हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। छात्रों को क्या दिक्कतें हो रही है, क्या परेशानियां हो रही हैं, किसी के फॉर्म सही तरीके से भरे जा रहे हैं या नहीं, कोई प्रवेश लेने में असक्षम है या उसको सक्षम बनाना है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो व्यवहारिक रूप से भी हमारे साथ हो, बाहरी प्रवेश में भी अपना सहयोग दे। और यहाँ से तमाम जो लोग आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, पहाड़ी आते हैं, उनको समझाना कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार का परिवेश मिलता है और किस प्रकार की पढ़ाइयाँ होती हैं। हिसाब से हम देखते हैं कि एक उम्मीदवार को छात्रों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को हल करके और नीचे प्रशासन तक उनकी बात पहुँचाना, ये उम्मीदवार के अंदर एक गुण होने चाहिए। हम देखते हैं विश्वविद्यालय में बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है जो एक स्टूडेंट नहीं कर पाता है। इस विश्वविद्यालय में एक प्रतिनिधि होना चाहिए, एक छात्र नेता होने चाहिए जो उसकी प्रॉब्लम सुने और उनकी सॉल्व करे, प्रशासन तक उनकी बात पहुंचाए। ऐसे वो सर्वप्रथम कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और छात्रों के हितों के लिए हरदम वो तत्पर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि छात्र नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे बीच का हो, सभी धर्मों का सम्मान करता हो, सभी जातियों का सम्मान करता हो, हमारे बीच की हमारी समस्याओं का समाधान करता हो, हमारी बातें सुने, हर एक छात्र को एक जैसा अपना भाई माने, अपनी बहन माने। हमारा छात्र नेता एक अच्छा खासा एजुकेटेड होना चाहिए, छात्रों के हितों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो छात्रों से खूब घुले मिले, उनके साथ रहे, ऐसा नहीं कि चुनाव जीतने के बाद फिर कहीं अपना निकल जाए, ऐसा छात्र नेता होना चाहिए। की क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छा वक्ता होना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा वक्ता होगा और अच्छा श्रोता होगा वही जो है छात्र हितों के लिए आगे बात कर सकता है। और दूसरा ये है कि हमेशा छात्र हितों में से आगे रहना चाहिए, अपने विश्वविद्यालय से रिलेटेड जितनी भी समस्याएँ होती है, और छात्र नेता जरूरी भी इसलिए भी है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय का ही तानाशाह हमारे अधिकारी होते हैं जो छात्रों का हम समय पर नहीं कर पाते हैं, तो छात्र नेता होने के कारण जो है उन बच्चों का हम समय पर होता है। कई दूर आने वाले हैं, आपने कई बार देखा भी हो, कई केसेस आपने देखे भी होंगे कि जिस टाइम पे हमारे गढ़वाल विश्वविद्यालय में चुनाव बंद हुए थे तो कई अधिकारियों ने बच्चों पे वो बर्बरता करी थी और कई बच्चों को जो है उन्होंने मारा पीटा भी था। तो एक छात्र नेता हो, जब जो छात्र नेता होता है वो कभी किसी बच्चे पे जुर्म नहीं होने देगा। मेरे हिसाब से कैंडिडेट तो विश्वविद्यालय में सबसे पहले छात्र संघ में ऐसा कैंडिडेट खड़ा भी उसे होना चाहिए जिसने कई वर्षों से यहाँ छात्र हितों की लड़ाई लड़ी हो, जिसने संघर्ष किया हो छात्र हितों में, और कैंडिडेट वो होना चाहिए जिसका विज़न क्लियर हो, जो विश्वविद्यालय में आए और छात्र हितों में काम करे, जितने भी यहाँ घोटाले हुए हैं उनको उजागर करे, और चाहे यहाँ कोई भी समस्या हो, CCTV की समस्या हो, विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी की समस्या हो, या विभिन्न जो छात्रों की समस्या होती है, पानी की हो गई, रोड की समस्या हो गई, जो दूर से छात्र आते हैं UP उत्तर प्रदेश राजस्थान, उन्हें हॉस्टल में जगह नहीं मिलती है, तो कैंडिडेट उसे ही बनना चाहिए जिसको लगता है कि वो यहाँ से निकलने के बाद अपने क्षेत्र की राजनीति नहीं करेगा, जो छात्र हितों में काम करेगा उसे ही मेरे हिसाब से कैंडिडेट बनना चाहिए। मेरे हिसाब से कैंडिडेट एक ऐसा होना चाहिए जिसने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है, जिसने ग्राउंड लेवल से हमारे लिए काम किया है, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ चुनाव के टाइम पर ही हमारे सामने आए जैसे कि बरसाती मेंढक आते हैं। वो कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जिसने हमारे लिए 10 सालों से या 5 सालों से काम किया हो। जो हमारे कैंडिडेट की खूबियां होनी चाहिए उसमें पहली बात तो कैंडिडेट बिल्कुल छात्र हितों में समर्पित होना चाहिए, ठीक है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे ने अपने 6-7 साल इस यूनिवर्सिटी को दिए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के छात्रों को दिए हैं, हम ऐसे बंदे को आगे बढ़ाएं और उसे भी चाहिए। हमें चाहिए कि हमारा जो कैंडिडेट हो वो ये ना हो कि शोर शराबा करे, लड़ाई झगड़ा करे। हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट एजुकेटेड हो और अच्छे से जो भी है तरीके से जो नियमबद्ध है उसके दायरे में रहकर स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम। ही शुड बी अ गुड लिसनर एंड कम्युनिकेटर, जो कि स्टूडेंट्स की हर बात को सुने। कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी है जिसका कोई जान पहचान ना हो उसकी बात भी अच्छे से सुने। हमें जो इस बार कैंडिडेट चाहिए, हमें वो चाहिए जो बच्चों की हर बात सुने और केवल छात्र राजनीति करें। अगर जब तक वो विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे हैं केवल छात्र राजनीति करें और छात्रों की मांगों को ए गुड लीडर मस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलेज एंड स्टूडेंट्स। ए गुड लीडर मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड हम्बली। A good leader should have passion. A good leader should have supportive. A good leader should have a respect.
A good leader should be a best friend. एक गुड लीडर एवरी स्टूडेंट्स को मदद करना चाहिए। यहाँ पर छात्र नेता जो होते हैं उन्हें छात्रों की हेल्प के लिए खड़ा होना चाहिए, छात्रों की उन्हें काम करना चाहिए, छात्र हितों में उन्हें कार्यरत होना चाहिए। और जो छात्र होते हैं और उन्हें जो प्रशासन की नीतियाँ होती हैं, कुनीतियाँ होती हैं, उन्हें कुचलने का उन्हें उनके अंदर हौसला होना चाहिए और सही छात्र हितों में फैसला आने का उनका जज्बा होना। कैंडिडेट है वो सबसे पहले ये है कि जो अपने उसके साथ के सपोर्टर्स हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार रहे, उसका उनके साथ हमेशा सपोर्ट में रहे, चाहे हर एक चीज़ से स्टडी से लेके या फिर रहने सहने खाने पीने हर एक चीज़ के साथ लेके सपोर्ट जरूरी है।